नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। आगामी उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि समिट के लिए सभी तैयारियां हो चुकी है। हमने 27 उद्योग अनुकूल नीतियां बनाई है, सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया है। पीएम कल इस समिट का उद्घाटन करेंगे। हमने 3 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जब हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो राज्य में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। देश और दुनिया के सभी बड़े उद्योग समूह उत्तराखंड में काम करना चाहते हैं, उत्तराखंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उनके प्रस्ताव हमारे सामने हैं। हमें लगता है कि एक बड़ी राशि अभी और हमको मिलेगी। उत्तराखंड के लोगों को एक तो उनकी आर्थिकी व्यापार बढ़ेगा, हमारे नौजवान युवा साथियों को रोजगार मिलेगा और साथ ही ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, टूरिज्म का सेक्टर है, लॉजिस्टिक का सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, फार्मा सेक्टर है, एडवेंचर टूरिज्म है, एग्रीकल्चर में प्रोसेसिंग का है, हॉर्टिकल्चर है और हेल्थ एजुकेशन के सेक्टर हैं। सभी सेक्टरों में लोग आ रहे हैं, रियल इस्टेट का सेक्टर है और अपार संभावनाएं उत्तराखंड के अंदर है, क्योंकि 7000 एकड़ का लैंड बैंक हमने बनाया है। इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर अच्छा माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है, यहाँ का पर्यावरण बहुत अच्छा है, एनसीआर के पास है, देहरादून और पंतनगर के दोनों एयरपोर्ट हम आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए अब तक 3 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव और इन्वेस्टर समिट के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारियों में शामिल डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि इन्वेस्टर समिट के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक 43,000 करोड़ की निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जो काफी बेहतर स्थिति है। इन्वेस्टर समिट को लेकर निवेशकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। रिलायंस समूह के मुकेश अंबानी और अडानी ग्रुप के गौतम अडानी इस कार्यक्रम में भाग लेने पहुंच रहे हैं। हमारी पूरी तैयारियां संपूर्ण हो चुकी है, जो ये प्रीमाइसेस हैं ये आज रात तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कल एक ड्राई रन रिहर्सल किया जाएगा और 8 तारीख की जो इवेंट है उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। अभी अंबानी समूह, अडानी समूह, टाटा समूह और MR, ये सब ITC, ये सब अभी कन्फर्म हो गए हैं, अभी और कन्फर्मेशन प्राप्त हो गए हैं। देखिए, ऊर्जा सेक्टर में, ऊर्जा सेक्टर के निवेश के साथ साथ जो बाकी सेक्टर्स में जो निवेश हो रहे हैं वो भी निवेश ऊर्जा के ऊपर निर्भर है। ऊर्जा की स्थिति जो पोजीशन है वो हम लोग अच्छा रखेंगे तभी हमारे पास अन्य सेक्टर में भी निवेशक आएंगे। और देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे तो समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस इन्वेस्टर समिट में देश विदेश के बड़े बड़े उद्योगपति शामिल होंगे। अधिक से अधिक संख्या में निवेशकों के यहां आने से रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, जिससे अधिक से अधिक संख्या में बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। वहीं BJP के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि भाजपा सरकार ने बड़ी पहल करते हुए निवेशकों को उत्तराखंड बुलाया है ताकि यहाँ रोजगार उपलब्ध हो। हम सबके लिए सौभाग्य की बात, उत्तराखंड के अंदर बड़ी संख्या में जो उद्यमी आ रहे हैं उनका स्वागत करने का अवसर भी हमको प्राप्त हो रहा है और हम उनके स्वागत के लिए भी पलके बिछाए हुए हैं। सारे प्रकार के जो उत्तराखंड के वाद्य यंत्र हैं, यहाँ के सांस्कृतिक परिधान हैं, उन सब के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम लगभग 8,000 की संख्या का भव्यतम कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का उद्बोधन होगा और हमें खुशी है कि समापन पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी उस कार्यक्रम में रहने वाले। तो समिट को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। तैयारियां काफी दिनों पहले से चल रही थी, अब अंतिम रूप तैयारियों को दे दिए गए हैं और ऐसे में 8-9 तारीख को इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। इन्वेस्टर समिट को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है, क्या कुछ खास रहने वाला है, चलिए आपको ग्राफिक के माध्यम से समझाते हैं। तो सशक्त उत्तराखंड पुस्तक का विमोचन होगा, सबसे पहले ये स्टेप होने जा रहा है। 4 सत्र में पूरा का चलने वाला है कार्यक्रम, एक दिन में 4 सत्र होने वाले हैं। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड की लॉन्चिंग होगी इस दौरान और इसी के साथ आपको बता दें कि इसके बाद अगला स्टेप हाउस देश दुनिया के
निवेशकों को निमंत्रण जो है वो भेजा जाएगा, निमंत्रित किया जाएगा और इसके बाद 3000 निवेशकों को भेजा गया है निमंत्रण, 3000 निवेशकों को निमंत्रण भेजा गया है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भव्य कार्यक्रम यहाँ पे होने जा रहा है। 2.5 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य इसमें रखा गया है, 2.5 लाख करोड़ जो कि बड़ा अमाउंट है अपने आप में। 2 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश प्रस्ताव मिल भी चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होगा। 8000 से ज्यादा लोग इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। 8 और 9 तारीख को 1000 लोग बनाएंगे मानव श्रृंखला, 1000 लोगों का आंकड़ा है जो कि मानव श्रृंखला बनाएंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली गुड़गांव से मंगाई गई है लग्जरी कार ताकि मेहमानों को कोई भी तकलीफ ना हो, सुगम से वो यात्रा कर सके एक जगह से दूसरी जगह। 50 अल्ट्रा लग्जरी कारों का इंतजाम भी किया गया है सरकार की तरफ से, 50 अल्ट्रा कारों लग्जरी कार का इंतजाम किया गया है। मर्सिडीज एस क्लास, ऑडी A8 कार भी इसमें शामिल होगी। इसी के साथ बता दें BMW 7 सीरीज कारों का इंतजाम भी पुख्ता किया गया है। हर छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है इस GI समिट में। प्लैटिनम 2 श्रेणी की 200 कार मंगाई गई है ताकि कोई भी मेहमानों को दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पे विदेश से भी मेहमान आने वाले हैं, किसी को कोई दिक्कत ना उठानी पड़े इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है। गोल्ड कैटेगरी के टेम्पो ट्रेवल भी मंगाए गए हैं इस पूरे GIS समिट में। स्पेशल बसों का इंतजाम किया गया है, लग्जरी कार मंगाई गई है, गोल्ड प्लैटिनम की टेम्पो भी मंगाई गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि सभी बड़े उद्योगपति शामिल होंगे इस भव्य कार्यक्रम में, चाहे अडानी की बात की जाए या फिर अंबानी की बात की जाए तो तमाम उद्योगपति शामिल होंगे। देखिए मुकेश अंबानी, गौतम अडानी भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी के साथ नाम और है जो आपको बता दें कि आनंद महिंद्रा, संजीव पुरी, सज्जन जिंदल भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शिरकत करेंगे 8 और 9 तारीख को। बाबा रामदेव, चरणजीत बनर्जी शामिल होंगे इस पूरे कार्यक्रम में। व्यापारियों को न्योता भेजा गया है, आमंत्रित किया गया है। प्लैटिनम श्रेणी में 102 उद्योगपति रखे गए हैं, 102 उद्योगपतियों का आंकड़ा बताया जा रहा है प्लैटिनम श्रेणी की। तो ग्राफिक के सहायता से हमने आपको बताया किस तरीके से भव्य कार्यक्रम ये होने जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 8 और 9 दिसंबर को देहरादून स्थित FRI में इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है, जिसको लेकर प्रशासन शहर भर में चल रहे कार्यों को युद्ध स्तर पर अंजाम देने के लिए लगे हुए हैं। जिलाधिकारी सोनिका के अनुसार इन्वेस्टर समिट को भव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। खासतौर पर सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और अवैध अतिक्रमण करने वालों पर प्रशासन का खासा ध्यान है। मेन हमारा जो अभी फोकस रहेगा वो सफाई, स्ट्रीट लाइट्स, और कहीं अगर फुटपाथ पे अतिक्रमण है तो पहले हम रिक्वेस्ट ही करेंगे ऑब्वियसली लोगों को कि सब फुटपाथ क्लीन कर दें, जिससे कि जो पूरा एरिया है वो क्लीन लगे। और यही मेन कॉन्सेंट्रेट अभी हम कर रहे हैं सफाई व्यवस्था पे। काम देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर हमला करते हुए इन्वेस्टर समिट को अपनी नाकामी छुपाने वाला समिट बताया और कहा है कि सरकार अपने चहेतों को उत्तराखंड की जमीन बेचना चाहती है। वहीं करण महारा के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है, कांग्रेस विकास की अनदेखी करती है और कांग्रेस नहीं चाहती कि प्रदेश में विकास हो। देखिए कांग्रेस मुद्दा विहीन है, वो विकास की अनदेखी करती है, वो चाहती नहीं कि उत्तराखंड का उद्यम आए। और इस प्रकार का बयान देकर कम से कम उत्तराखंड के युवाओं के साथ मैं कह सकता हूँ एक प्रकार का विश्वासघात कांग्रेस के बयानों में दिख लगता है। कांग्रेस अपने शासनकाल में कुछ कर नहीं पाई, आज जिस गति से काम हो रहे हैं उसमें पटकड़ा करके वो हमारी नाकामी नहीं, अपने को दोष एक प्रकार दोषी प्रमाणित करने का वो उनका बयान इस रूप में आ रहा है। और देहरादून सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर मुख्यमंत्री आवास में सैनिक कल्याण व पुनर्वास निदेशालय के निदेशक ब्रिगेडियर अमृतलाल उपनिदेशक कर्नल MS जोधा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फ्लैग लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश की रक्षा हेतु सदैव तैयार रहने वाले अपने वीर सैनिकों पर हमें गर्व है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस का यह अवसर राष्ट्र के सजग प्रहारियों के बलिदानों और सेवाओं को याद करने का दिन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के नागरिकों से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में सैनिक परिवारों के कल्याण के लिए अपना योगदान देने की अपील की है।
खबर हरिद्वार से है, जहां पृथ्वीराज चौहान चौक भेल तिराहा पर सैकड़ों युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया और राजस्थान सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कर्णी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगा मेढी की हत्या के विरोध में हुए इस प्रदर्शन में हत्यारों को तुरंत फांसी पर चढ़ाने और ऐसा नहीं होने पर दोबारा धरना देकर चेतावनी दी है। खबर देहरादून से है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना में 45 लोगों ने आवेदन किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के मौके पर लोगों का सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। आपको बता दें कि देहरादून में अलग अलग स्थानों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का क्रम जारी है। इसी कार्यक्रम में बाल विकास, ग्रामीण स्वास्थ्य आदि विभाग उपस्थित रहे। इन विभागों ने कार्यक्रम में स्टॉल्स भी लगाए, जिससे लोग जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर लाभ प्राप्त कर सके। खबर डोईवाला से है, जहां भानियावाला में अंग्रेजी शराब की दुकान के बगल में स्थित होटल में बीती रात लगी आग से हड़कंप मच गया। 3 दुकानें चपेट में आ गई। अंग्रेजी शराब की दुकान के साथ 3 और दुकानें जलकर खाक हो गई। होटल से सटी थी अंग्रेजी शराब की दुकान। स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड के साथ एसटीआरएफ की टीम कई गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह से किसी के हताहत कोई होने का नुकसान नहीं है, लेकिन माल का भारी नुकसान हुआ है। रात 11:30 10 बजे दुकान बंद होती है, तो लड़के 10:30 बजे निकल जाते हैं यहाँ से। उसके बाद 11:30 बजे फोन आता है कि आपकी दुकान में आग लग चुकी है। तो पूछा गया कि कैसे हुआ, क्या हुआ, तो बगल की जो अवैध दुकान में है इनके चक्कर में आप कोई आग सेक रहे हैं, शॉर्ट सर्किट हुआ, जो भी हुआ इनके चक्कर में हुआ है, और उसके बाद हमारी दुकान में आग लगी। खबर लक्सर से है, जहां मुरादाबाद रेल मंडल के DRM राजकुमार सिंह ने लक्सर पहुंचकर शुगर मिल में पूर्व में डाले गए रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया, जिससे कि रेल द्वारा चीनी की सप्लाई के लिए इस रेलवे ट्रैक को सही किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के दौरान से बंद पड़ी रेलगाड़ियों के संचालन को लेकर लंबे समय से लोगों द्वारा मांग की जा रही है, और आगे उन्होंने बताया है कि उक्त सभी पत्रावलियों को उचित कार्रवाई किए जाने की संस्तुति के साथ रेलवे मुख्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। हमारे एक कस्टमर हैं, पॉसिबल कस्टमर, एक शुगर मिल है यहाँ पे, उसको हम लोग देखने आए थे कि क्या हम उसका ट्रैफिक लक्सर से ले जा सकते हैं। और जहाँ तक अमृत स्टेशन की बात है, हमारे यहाँ टोटल 19 स्टेशन है मुरादाबाद डिवीज़न में, जिनमें 15 में हम लोगों ने अपनी प्लानिंग कंप्लीट कर ली और करीब उसमें 11 पे ऑलरेडी काम शुरू भी हो गया। खबर लक्सर से है, जहां SDM गोपाल सिंह चौहान ने जिलाधिकारी के निर्देश पर लंटौरा नगर पंचायत और सुल्तानपुर नगर पंचायत का चार्ज संभाल लिया है। चार्ज संभालते ही SDM ने कहा है कि जिन क्षेत्रों में अभी तक विकास कार्य नहीं करा पाए हैं, उन तमाम क्षेत्रों में पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता से प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य कराए जाएंगे। जैसे देखिए, सुल्तानपुर नगर पंचायत तो मेरे पास पहले से ही थी, और कल मैंने लंडोरा नगर पंचायत का भी चार्ज दे दिया है, और मैंने दोनों ईओ को बोला है कि आप एक बार मुझे लिस्ट दे दीजिएगा जो जनहित के जो मामले होंगे, प्रायोरिटी बेस पे बजट के अनुसार हम लोग उसमें प्रायोरिटी बेस पे करेंगे, जो जिसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होगी, जिसका फ़ायदा मैक्सिमम लोगों को मिलेगा, उस काम को हम प्रायोरिटी देंगे और धीरे धीरे अन्य काम भी करेंगे।
और मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधु ने सचिवालय में चल रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की, जहां पूंजी निवेश हेतु राज्य को विशेष सहायता योजना 2023-24 के तहत काम किए जा रहे हैं। तो वहीं धीमी चाल से चल रहे कार्यों को देखते हुए मुख्य सचिव ने कार्यों में तेजी लाने के लिए सचिव स्तर पर सप्ताह में 2 बार बैठक कर समीक्षा किए जाने के निर्देश दिए। प्रदेश में पुस्तकालयों के निर्माण पर अधिकारियों को शीघ्र कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि स्कूलों में पुस्तकालय को मजबूत किया जाए, साथ ही जहां उपलब्ध नहीं है वहां नए तैयार किए जाए। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपनी भूमि के उपयोग के लिए अगले 30 से 50 वर्षों का मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दिए। खबर रुड़की से है, जहां सभी क्षेत्रों में कई युवा नशे की लत में डूबे हैं। आपको बता दें कि शहर और देहात में कई बुक सेलर की दुकानों में प्रतिबंध के बावजूद भी नशा फ्रूट जैसी चीज़ें बेची जा रही है और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक नशा कर रही हैं। SP देहात का कहना है कि इस मामले में पहले भी कार्रवाई हुई है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि संबंध में सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वो इस मामले को गंभीरता से ले। यदि कोई बुक सेलर या कोई भी दुकानदार इस तरीके की सामग्री बेच रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये एक सामाजिक समस्या है और इस समस्या का निराकरण हम सबके द्वारा अपने अपने स्तर पर अपने नैतिक दायित्वों के निर्वहन से ही संभव है। तो ऐसे में चाहे वो बच्चों की भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने की बात हो, उसे भी बढ़ावा देना उचित नहीं है, उसे हतोत्साहित करना आवश्यक है। नहीं तो लोग एक तरह से एक पैसिव इनकम का सोर्स इसको बना के जीवन भर उसी में संलिप्त रहते हैं और कभी उससे मुख नहीं मोड़ते, ना कोई अन्य सकारात्मक रूप से जीविकोपार्जन करने का माध्यम बना ढूंढते हैं। तो एक तो भिक्षावृत्ति की जो प्रवृत्ति है उसको हतोत्साहित करना आवश्यक है। दूसरी तरफ जो बच्चे किसी भी तरह से कुसंगति का शिकार होकर या इस व्यसन में पड़ गए हैं, उनको भी ऐसी चीज़ें मुहैया ना कराने देने की स्थिति बना के हम उन्हें मुख्यधारा में लाने की स्थिति बना सकते हैं। और देहरादून में BJP नमो ऐप के माध्यम से विकसित भारत का संकल्प पूरा करने का अभियान चलाने जा रही है, जिस अभियान में पार्टी कार्यकर्ता को हर दिन 10 लोगों को नमो ऐप से जोड़ना होगा, जो विकसित भारत एम्बेसडर के नाम से पहचाने जाएंगे। सबसे ज़्यादा लोगों को जोड़ने वाले टॉपर को प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात करने, फोन पर बात करने का मौका मिलेगा, जिस पर उत्तराखंड कांग्रेस कटाक्ष कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा है कि सरकार को युवाओं के रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा और देश के विकसित के लिए विकास के लिए कोई लाभकारी योजनाएं लानी चाहिए, ना कि BJP पार्टी के लाभ की योजना। आए दिन भाजपा ऐसी योजनाएं लाती है जिससे आम जनमानस को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस तरह से आडंबर और प्रपंच करके कुछ नहीं होगा। आपकी योजना वो होनी चाहिए जो सीधे सीधे बेरोजगारों को रोजगार दिला सके, जो महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को रोक सके, जो कानून व्यवस्था को ढर्रे पर ला सके, जो बिगड़ती शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदेश की है उसको चाक चौबंद कर सके, जो किसानों की आय दुगनी कर सके, जो महिलाओं को सशक्त कर सके, जो व्यवसायी लोग हैं उनको GST और नोटबंदी से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सके। तो इस तरह की योजनाएँ लागू करने से क्या फ़ायदा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन बेदी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अहमदाबाद में संजीव चौहान उर्फ दाता राम चौहान को भारतीय किसान यूनियन बेदी गुट का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर दशहरा मैदान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी ने संजीव चौहान उर्फ दाता राम चौहान को पगड़ी पहनाकर प्रदेश अध्यक्ष पद की शपथ ली। किसानों का गन्ने का भुगतान 5 साल से नहीं हुआ है। दूसरा नेशन हाईवे रोड जो निकला है उसका भी अभी तक लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। और आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो नेशन हाईवे का जो मुआवजा का जो अवार्ड बना है वो संजय दाताराम के नाम से ही बना है। और आप सब लोग भली भांति जानते हैं, यहाँ की पब्लिक भी जानती है कि मैं 24 घंटे सब लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ। क्या वो थाने का काम हो, क्या DM का काम हो, क्या SP का काम हो, किसी कोतवाली का काम हो,
और अगर वे नहीं मानते, जबरदस्ती किसी के पीड़ित आदमी की आवाज नहीं सुनते हैं, मैं उनके साथ लड़ने का भी काम करता हूँ। भारतीय किसान बेदी परिवार की जो उत्तराखंड की कमान है, आज वो हमने दाताराम चौहान जी को सौंपी है, और दाताराम चौहान जी ने हमें आश्वासन दिया है कि पूरे उत्तराखंड में किसान मजदूरों की बात अधिकारियों के आगे रखी जाएगी, किसी भी किसान मजदूर के साथ कोई दुराचार नहीं करने दिया जाएगा, और जो हमारे फसलों का मुद्दा है या टोलों का मुद्दा है तो उनकी बात भी उत्तराखंड में उठाई जाएगी। तो बीकेयू बेदी का शपथ ग्रहण समारोह था। बता दें कि संजीव चौहान ने शपथ ली है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, कहा है कि आगे इसी तरीके से मैं काम जो है वो निष्ठा से निभाता रहूंगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर काला ढूंगी से, जहां आवारा मवेशियों ग्रामीण इलाकों और किसानों के लिए फजीहत बन चुके हैं। किसानों ने आरोप लगाया है कि शहरों से जिन जानवरों को पकड़कर गौ सदन भेजा जाना था, उन्हें गौ सदन ना भेजकर बीच में ही ग्रामीण इलाकों में छोड़ दिया जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों की सब फसल जो है वो चौपट हो गई, नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोगों ने आरोप लगाया है कि गौ सदनों में जगह नहीं है और हल्द्वानी नगर निगम जबरन इन मवेशियों को बैल पड़ाव से सटे जंगल में छोड़ रहा है। लोगों ने अपील की है कि प्रशासन इस और ध्यान दे, वरना ग्रामीण सड़क पर उतने को बाध्य होंगे। आवारा जानवरों से किसान परेशान हो गए हैं, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ये कहना चाहूँगा, जो आवारा पशु यहाँ पे छोड़े जा रहे हैं, ये हल्द्वानी नगर निगम द्वारा पकड़ के यहाँ पे छोड़े गए हैं, और जो यहाँ पे गौशालाएँ हैं, यहाँ पे जो उसमें सरकार द्वारा कोई मदद नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उसमें ना सरकार कोई ध्यान दे रही है गौशाला की तरफ से। जितने जो लोकल के पशु भी हैं वो भी गौशाला में हैं अभी, उसके बाद से 45 से 50 जानवर यहाँ पर छोड़े गए हैं, जो काफ़ी, अब देखिए आप, सभी की फसल है, गेहूं बोने का समय है, लोगों की गेहूं बड़ी हो चुकी है, और पूरे जानवर यहाँ पे गेहूं के खेतों में चुगने के लिए आ रहे हैं। और देखिए, दिन भर आदमी यहाँ पे किसान काम करता है और शाम को उसको सोने को नहीं मिले, तो अपनी ये जो हल्द्वानी नगर निगम से जो ये सांड आवारा जो सांड थे, इनको पकड़ के जो ग्रामीण क्षेत्रों में और ये बाजपुर की गौशाला में छोड़ा गया, बैलपड़ाव की गौशाला में छोड़ा गया, तो ये बैलपड़ाव में जो सांड हैं, ये अधिकतर सांड आबादी में आ गए हैं, और ये जो है कि फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि यहाँ अभी ये खेत है हमारा, ये अभी तक बंजर पड़ा हुआ है, क्योंकि आवारा पशुओं के भय से हम इसमें कुछ बो नहीं पा रहे हैं, और ये स्थिति अधिकांश हमारे बैलपड़ाव क्षेत्र की है कि फसल नहीं बो पा रहा है किसान। और प्रशासन को चाहिए कि इन आवारा सांडों को पकड़ कर वापस किसी अच्छी गौशाला में, जहां उनके रहने खाने की व्यवस्था हो, वहां रखा जाए। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।